अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको 10 यूज़फुल शॉर्टकट्स के बारे में बताऊंगा जो आपके रोज़मर्रा काम आ सकते हैं, और खासकर उन लोगों के लिए है जो लोग रोज़मर्रा कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा है या जो लोग ऑफिस में काम कर रहा है, तो उनके लिए मैं ये शॉर्टकट्स लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट नंबर पर है हमारे पास विंडो प्लस ई। तो हम विंडो प्लस ई को किस लिए यूज़ करके से ऑन करेंगे। ठीक है, तो हम इसको कैसे ओपन करेंगे माय कंप्यूटर को। तो हम विंडो प्लस ई का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरह के विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने विंडो प्लस ई प्रेस किया तो हमारे पास मेरे कंप्यूटर जो है वो सारे फोल्डर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड नंबर पर हमारे पास है विंडो प्लस एल। जब हम कंप्यूटर को लॉग आउट करते हैं तो हम विंडो प्लस एल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अक्सर लोग जो है ना इस तरह इस विंडो में क्लिक करते हैं, फिर इस पावर का बटन जो है ना उसको प्रेस करते हैं, फिर स्लीप या शटडाउन या रिस्टार्ट का बटन जो है ना प्रेस करते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको दो शॉर्टकट बताऊंगा। एक है विंडो प्लस एल, इसके ज़रिए जो है ना कंप्यूटर जो है लॉग आउट हो जाता है। ठीक है, और एक है Alt F4। ठीक है, अभी मैंने Alt F4 दबाया और इसके आपके सामने जो है ना शट डाउन, साइन आउट, स्विच यूजर स्लीप और रिस्टार्ट का ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी एक शॉर्टकट है। ठीक है, और हमारे पास फोर नंबर जो शॉर्टकट है, जब हम हमारे पास पेन टास्क बार में जो प्रोग्राम अवेलेबल है, मतलब हमने पेन टास्क बार में डाल दिए, तो हम इसको बगैर माउस के कैसे ओपन कर सकते हैं शॉर्टकट्स के जरिए। ठीक है, तो हम जब मतलब हमारे पास C++ ये प्रोग्राम है, हम इसको कैसे ओपन करेंगे कि वोट के जरिए, शॉर्टकट के जरिए रोम को कैसे ओपन करेंगे या फाइल को कैसे ओपन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम विंडो प्लस, जब अगर हम क्रोम को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, ओपन करते हैं तो ये हमारे पास सेकंड नंबर पर आता है, तो हम विंडो प्लस 2 दबाएंगे। ठीक है, विंडो प्लस 2, तो आपके पास हमारे पास जो है ना ये देखिए क्रोम ओपन हुआ है। ठीक है, अगर हम डी यू सी प्लस प्लस ओपन करते हैं, ठीक है, तो हम विंडो प्लस 1 दबाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना प्रोग्राम हो चुका, ओपन हो चुका है। और फिफ्थ नंबर पर हमारे पास जब हम काम कर रहे हैं एमएस वर्ड में और या पीडीएफ में हम प्रोग्राम काम कर रहे हैं, ठीक, तो हम किस तरह जो है ना मल्टी विंडोज को
और हमारे पास फिफ्थ नंबर पर है जब हम मल्टी विंडोज को ओपन करते हैं, मतलब ड्यू सी प्लस प्लस को और क्रोम को एक साथ ओपन करते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे मतलब मल्टी विंडो में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये करना होगा कि विंडो प्लस जब राइट एरो दबाएंगे, ठीक है, ये हमारे पास जो एरोज हैं, चार एरोज, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन जो एरोज हैं, इसमें हम विंडो प्लस राइट एरो दबाएंगे, ठीक है। तो ये विंडो हमारे पास इस तरह आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए तो हमारे पास कुछ इस तरह विंडो आ जाएंगे, ठीक है। ये अब देखिए, और इसको आप देख सकते हैं, हम पेज को दे सकते हैं, पेज भी दे, ठीक है। विंडो प्लस लेफ्ट दबाएंगे हम, ठीक है, विंडो प्लस लेफ्ट कर, जी हमारे पास मल्टी विंडो ओपन हो चुका है, ठीक है। ये आप देखिए, विजुअल स्टूडियो या फाइल दोनों हम जो है ना एक साथ ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब आसानी के साथ हम इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जो है ना एमएस वर्ड में जब हम काम करते हैं, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, इसके लिए ये ज़्यादातर ऑफिस में जो है ना यूज़ होते हैं, ठीक है। तो मैं वर्ड को ओपन करता हूँ, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं कि वर्ड में शॉर्टकट कैसे यूज होते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास ओपन हो जाएगा, ठीक है, एमएस वर्ड। और